मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बहुत ही सुंदर गीत है, सुपर हिट सॉन्ग है, फिल्म आप आए बाहर आई 1971, और इसके सिंगर हैं लता जी और रफी साहब। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, इसी गीत को हम बजाना सीखेंगे आज। दोस्तों, गीत का जो ओरिजिनल स्केल है जी माइनर है, जी माइनर, ये वाला नोट 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर का वाइट नोट है माइनर स्केल पे, लेकिन मैं यहां से ऊंचा हो रहा है, ऊंचा हो जाता है यहां से, तो मैं इसको पहली काली से यानी सी शार्प माइनर स्केल पे बता रहा हूं। इसमें लगने वाले स्वर देखें, सा कोमल, रे कोमल गा, मा पा कोमल, धा कोमल नी, बिल्कुल ये राग भैरवी का गीत है, ये बिल्कुल रे गा धानी कोमल है, सा रे कोमल, गा कोमल, मा पा धा कोमल, नी कोमल, यहाँ नी तक की स्वर है, लोअर ऑक्टेव में एक स्वर लगेगा नी कोमल, बहुत ही सिंपल है। तो ठाट या राग जानने से यही एक फायदा होता है कि हम तुरंत दिमाग में आ जाता कि इसमें फला फला स्वर कोमल लग रहे हैं, तो ये कौन से ठाट या राग पर आधारित है, और वो हमारे दिमाग में रहता ताकि हम दोबारा कभी बजाते हैं उस गीत को तो तुरंत ही बजा लेते हैं। इतना बस कोई बता दे कि ये ठाट भैरवी का है या राग भैरवी का, तो हमारे फिंगर अपने आप रेगाधानी कोमल पकड़ लेते हैं। स्थाई, मुझे तेरी, मुझे सा सा तेरी, तेरी का रे सा गा, ध्यान रखें कि इसमें जो स्वर है वो रेगा धानी कोमल ही है। जब मैं रेगा धानी बोलूंगा कहीं पर भी तो ये समझ लेना कोमल स्वर है। मुझे सा सा तेरी रे सा गा मोहब्बत, माँ गा रे सा सा मोहब्बत, मुझे तेरी मोहब्बत का, मोहब्बत का माँ गा रे सा सा मोहब्बत का के लिए कोमल गा, सहारा सहारा माँ गा रे सारे सहारा मिल, मिल का साफनी मिल गया, गा रे गा गया होता रे सा सा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और अगली दो बार इस फ्रेज को गाना, उसके बाद में कोमल धा से, अगर अगर तूफा, अगर धादा पा, अगर तूफा पा मामा नहीं, पापा मा नहीं आता, मा गा गा किनारा, मा गा रे सारे किनारा मिल सानी मिल गया, गारेगा होता रे सा सा। एक बार पूरा स्थाई देखें स्लो में, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल
गया होता अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। इतना सा स्थाई है, उसके बाद में अंतरा है। अंतरा मां से उठेगा, न था मंजूर किस्मत को, न था मामा मंजूर पादा, नी पे थोड़ा रुकना है एक स्टेप, मंजूर पादा नी धा किस मत न था मामा मंजूर पादा नीधा किस मत पामा गामा गा किस मत को के लिए गा, उसके बाद न थी मर्जी मामा न थी मर्जी पधनी न थी मर्जी बहारों की धा पा मा गामा गा बहारों की, और की के लिए फिर गा, मतलब न था मंजूर किस्मत को न थी मर्जी बहारों की, एक ही नोटेशन है। न था मंजूर किस्मत को न थी मर्जी बहारों की, और उसके बाद नहीं तो मामा नहीं तो मामा माँ इस मामा गुलेस्ता में गुलेस्ता माँ गा रे गागा गुलेस्ता माँ गा रे गागा मैं के लिए गा। इतना सब फ्रेज है, दो बार गाया जाएगा। नहीं तो इस गुलिस्तान में, तो एक बार अपन ने गा लिया नहीं तो इस गुलिस्तान में, अब दोबारा गाएंगे तो माँ से नहीं गाएंगे, दोबारा जब गाएंगे तो नहीं तो फिर धापा माँ बोलेंगे नहीं के लिए, नहीं तो नहीं का हो गया धापा माँ, नहीं तो और तो के लिए फिर माँ, और फिर सेम आ जाएगा इस गुलिस्ता में, फिर वही हो जाएगा इसका मामा गुलिस्ता माँ गा रे गागा गुलिस्ता में कमी थी क्या नजारों की, कमी गामा गा कमी थी गामा गा कमी थी के लिए रेसा क्या के लिए नी नजारों की गारे गारे सासा नजारों की, और उसके बाद में फिर वही आ जाएगा जैसे हमने स्थाई में गया था, मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता, मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता,
इस प्रकार से आपको पूरे गाना आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बजाना है, तो एक बार इसको देख लें अंतरे को स्लो मोशन में। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या नजारों की, मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता। बस इसी टाइप से आपको बजाना है। दोस्तों वीडियो यहीं एंड होता है। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।